अभिभाषण आज प्रस्तुत हुआ है। मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि विपक्ष को कम से कम महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण को पूरा सुनना चाहिए था और ये एक उनकी आदत का हिस्सा बन गया। पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय जी के साथ किस प्रकार से घटना यहाँ पर घटित हुई और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और उसी प्रकार से आज भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान बीच में उठ करके वॉकआउट करना, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय नहीं था, एक सही निर्णय नहीं था। और जिस प्रकार का वो जिक्र कर रहे थे कि ये झूठ का पुलिंदा है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में तमाम वो चीजें थी जो हमने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए सेवा करते हुए समर्पित की। इसमें कौन सा झूठ का पुलिंदा उनको लग रहा है, कौन सी बात झूठ है, अगर इसके बारे में अगर वो कहते तो समझ में बात आती। अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया कि पूर्व में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के आने से पहले ऑक्सीजन के प्लांट सिर्फ 2 थे और आज हिमाचल प्रदेश में 48 ऑक्सीजन के प्लांट हैं, क्या झूठ है इसमें बताएं हमें। वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के दौरान जो लंबे समय तक सत्ता में रही 50 थे, 50 में से 30 चलते थे, 20 नहीं चलते थे। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग था उस वक्त जब कोविड का दौर आया था। आज 1014 ऑक्सीजन वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं, क्या झूठ है इसमें। आईसीयू बेड की संख्या मात्र 52 थी हिमाचल प्रदेश में। हम हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 वर्ष का कार्यकाल मना रहे थे और आज हिमाचल प्रदेश में 557 आईसीयू बेड्स हैं, क्या झूठ है इसमें। ऑक्सीजन सिलेंडर हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के आने से पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रुखसत हुई, हमारी सरकार सत्ता में आई तो 3000 से भी कम थे, लगभग 2800 के लगभग थे। और वर्तमान में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास 17,000 हैं, क्या झूठ है इसमें। अगर नए इनिशिएटिव लेने की अगर हमने बात कही है, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में लाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में सिफर था इस दृष्टि से काम। आज हिमाचल प्रदेश में हमने 41,500 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए थे, एमओयू में से ग्राउंड ब्रेकिंग 41,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी, 13,500 करोड़ रुपए की अमित शाह जी ने की, 28,000 करोड़ रुपए की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, इसमें क्या झूठ है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में एसडीएम के दफ्तरों की संख्या शायद सब 78 के लगभग है, जिसमें 7 एसडीएम के दफ्तर हमारी सरकार ने खोले। हिमाचल प्रदेश में 2 कॉरपोरेशन हुआ करते थे, एक शिमला एक धर्मशाला, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आज 5 कॉरपोरेशन है जिसमें से 3 हमारी सरकार ने खोली है। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था, हमने 415 पंचायतों का नई पंचायतों का गठन हिमाचल प्रदेश में किया है, नगर परिषदों का किया, नगर पंचायतों का किया, पीडब्ल्यू के डिवीजन, बीडीओ ऑफिस, जल शक्ति मंत्रालय के डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, सब तहसील, तहसील, सारी चीजों का जिक्र एक एक आंकड़े के साथ जो है महामहिम राज्यपाल मोदी जी के अभिभाषण में किया गया है, उसमें झूठ क्या है बताएं तो सही। और उसके साथ
प्रधानमंत्री जी का आना हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो अटल टनल के लिए आए इनॉग्रेशन के लिए, चाहे वो इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला आए, चाहे एक साल के कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आए, चाहे चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, हिमाचल के इतिहास में 11,500 करोड़ रुपए का के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में एक स्थान पर एक समय में किए गए, ये झूठ है क्या? अगर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने 3,25,000 गृहिणियों को ऑक्सीजन इसका गैस का चूल्हा जो है एलपीजी गैस का चूल्हा घर तक पहुंचाया, उनके घर तक पहुंचाया, इसको भी झूठ बोलेंगे क्या? हिमकेयर के माध्यम से 2,00,000 से ज्यादा लोगों का इलाज करते हुए 200 करोड़ रुपए खर्च किया हमने, इसको भी झूठ बोलेंगे? मुख्यमंत्री सारा योजना के अंतर्गत लगभग 18,500 लोगों को 3,000 रुपए का हर महीने का अंतिम उनके खाते में डाल रहे हैं, इसको भी झूठ बोलेंगे? और मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हम 3100 रुपए हर उस 31,000 रुपए हर उस बेटी के खाते में डाल रहे हैं जिसकी शादी होती है जो बीपीएल परिवार से है। हिमाचल प्रदेश में अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी का की शुरुआत की, मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की, इनमें से एक भी चीज झूठ है तो वो बताए। और इस प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बीच में चले जाना और ये कहकर के झूठ का पुलिंदा है, अगर हिम्मत है कांग्रेस के लोगों में तो उन तथ्यों को झुठलाएं, लोगों के सामने अपनी बात कहें। इसलिए जो जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने आज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले दिन उन्होंने किया उससे आगे के इसमें जो है वो इस प्रकार की एक रस्म नहीं करेंगे, इसको अपना आदत का हिस्सा नहीं बनाएंगे और पूरा सार्थक चर्चा हाउस के अंदर करेंगे और सार्थक चर्चा करने के बाद हम मिलकर के काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रगति के लिए हमारा एक एक दिन समर्पित है, एक एक पल समर्पित है और ऑपोजिशन से राजनीतिक मकसद के कारण जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं और लेकिन इस सारे मामले में वो टोटली एक्सपोज है। सर, ऊना में जो मामला सामने आया है सर, उसमें एसआईटी का गठन किया है सरकार ने, अभी तक क्या अपडेट है सर? अपडेट उसमें देखिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वो, और उसमें एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी तफसील आपको कल हम दे देंगे, डिटेल में दे देंगे। मिनिस्टर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर आज इसके पश्चात तुरंत जो है वो मौके पर वहाँ पर जा रहे हैं और मौके पर करने के बाद डिविजनल कमिश्नर के लिए जो है वो इंक्वायरी के आदेश कर दिए गए हैं, उसमें एसआईटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और लेकिन गलत तरीके से अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके मुताबिक जो कुछ भी किया जा रहा था वो पटाखे वहाँ पर बनाए जा रहे थे वो इलीगल था और उसको कानूनी तौर पर जो मान्यता नहीं थी। विकास हुए हैं, विपक्ष द्वारा विकास नहीं हुए पर आपकी जो विधायक अनिल शर्मा उनका कहना है कि उनके विधान क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और उसमें उनको समझना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अभी तक और उनको सरकार से सहयोग किस प्रकार से लिया जाना चाहिए इस बात को लेकर के अगर वो काम करते परिवार के लिए ही काम नहीं करते तो शायद और बेहतर होता, लेकिन उसके बावजूद उनके वहां पर एसडीएम का कोटली का ऑफिस किसने खोला है? उनके वहां पर जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सैकड़ों करोड़ रुपए के टूरिज्म के मंडी में शिफ्ट, हम 150 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट कौन शुरू कर रहा है? मंडी में डिग्री कॉलेज जो है वो लगभग 30 करोड़ की लागत से बन रहा है, वहां पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है 30 करोड़ की लागत से। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी दी वो उनको दिख नहीं रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कि भी यूनिवर्सिटी भी मंडी में हो सकती, सोचा भी नहीं था उन लोगों ने। उनके विधानसभा क्षेत्र में कॉरपोरेशन वहां पर बना करके दी है, उसमें भी वो खिलाफत में काम करते रहे लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की
वहाँ पर कॉर्पोरेशन बनी है, आने वाले समय में विधायक भी भाजपा के बनेंगे। सर आप विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं लेकिन समाज का हर एक सेक्टर आंदोलन पर उतरा हुआ है, आप क्या कहते हैं? कौन सा समाज के हर एक सेक्टर में आंदोलन चल रहे हैं? देखिए मेरा आप सबके माध्यम से जो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा साफ संदेश है, मेहरबानी करके जिसने अपनी बात कहनी है सहजता और सरलता से कहें, आंदोलन की भाषा में कोई सोचेगा कि जबरदस्ती ही उनकी बात को मनाने की कोशिश करेंगे और उसको हम मानेंगे, ऐसा नहीं, जो आंदोलन करेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे। और जो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार के आंदोलन करेंगे और नियमों के विरुद्ध करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। इस तरह की फैक्ट्रीज को मॉनिटर किया जाए, सरकार क्या कदम उठाएगी इस तरह की? देखिए ऐसा है, दोनों चीजों को लेकर के शराब के सिलसिले में जो घटना घटित हुई वो भी दुखद, और उसमें भी हमने ऐसी कार्रवाई की है जो आज से पहले कभी हुई नहीं, और दूसरी घटना ये जो हुई है इसके बाद हम और भी चीजों को लेकर के जो कार्रवाई करने की जरूरत होगी वो करेंगे, लेकिन सख्त कार्रवाई करेंगे। सर लोकसभा अध्यक्ष ने पिछली बार कहा था कि राज्यपाल अभिभाषण में व्यवधान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा कांग्रेस ने बना दी है, इस परंपरा को कैसे तोड़ा जा सकता है? ये मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए आपको कि ये उनकी परंपरा कैसे बनी है, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आना नहीं है, ना देश में ना प्रदेश में, तो इसलिए अपनी परंपरा को वो जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि उन्हें सत्ता में होना नहीं है, तो इसलिए यही जो किया जा सकता है वही कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो विदाई की बेला है, क्या सरकार जाने वाली है? ऐसा है, उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं, लगभग 10-11 लोग इस वक्त जो है सपने लेते हैं, रात को सोते हुए जब सपना सुबह खुलता है तो अब हकीकत सामने आती है उनके सामने, तो सपने लेने दिए उन्हें, मुझे कोई इसमें हम उसमें व्यवधान भी नहीं डालना चाह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही और उसके पश्चात फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। थैंक यू।